नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डायट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो इतने प्यार से देखते हो, इतनी आतुरता से देखते हो तो हमें अच्छा लगता है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो। हमारी जो रेसिपी है वो इतनी हेल्दी है कि वो आप बनाते हो और वो बनाने के बाद आपके हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है, तो हमें खुशी मिलती है कि हमने कुछ काम किया है तो इसका आपको भी फायदा हो रहा है। मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं आत्म कल्याण की भावना है और विश्व कल्याण की भावना है। आत्म कल्याण कैसे कि मैं और मेरा फैमिली हम 365 डे अपक्व आहार पे हैं। तो आज मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ, वो है टमाटर और बीट रूट का जूस। ये जो जूस है वो इतना हेल्दी है, इतना यम्मी है कि कोई अगर छोटा बच्चा हो तो उनको भी पिलाओ। एक साल के बाद या दो साल के बाद जब माँ का फीडिंग बंद कर देते हैं और बाहर का दूध चालू करते हैं, वो दूध नहीं देना है, क्योंकि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट से बहुत सारे डिसीज आते हैं। तो कोई भी छोटा बच्चा हो उनको भी जन्म से ऐसा जूस पिला सकते हो। कई कई लोग ऐसा कहते हैं कि अभी रेनी सीजन है तो इतनी अच्छी पत्तियां नहीं मिलती है, तो ये मैं जूस बना के आपको दिखाती हूँ। ये जूस आप दिन में कभी भी पी सकते हो, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी, स्नैक में भी और डिनर में भी कभी भी ये जूस आप पी सकते हो। ये जूस का भी बहुत सारा बेनिफिट है क्योंकि ये पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, क्योंकि ये सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है और न्यू डाइट सिस्टम का जो न्यू है, मतलब कि जो पाया है वो ही ये है कि हमें सब कुछ नेचुरल ही नेचुरल खाना है। एक बहन का ऐसा फोन आया था कि वैसे तो हम घर में पूरा वीक या पूरा मंथ जो है वो अपक्वा आहार खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी समाज के फंक्शन में जाना होता है तो सबका मान रखने के लिए हमें शादी ब्याह में खा लेना पड़ता है, या कई कई रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं, वैकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे खा लेना पड़ता है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाती हूँ तो साथ में मेरा पेट है और मुझे पता है कि मेरे पेट में अमृत आहार डालना है। अभी दो दिन के पहले की बात करूँ तो मेरे सगे भाई की मैरिज थी, तो वो मैरिज का फंक्शन 3 दिन था। 3 दिन में 6 टाइम का लंच डिनर, लंच डिनर, लंच डिनर, मतलब 6 दिन का फंक्शन था। तो मैंने पहले ही दिन से, अगले ही दिन से मेरे पापा को बोल दिया था कि मेरी डिश मत गिनना। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी शादी है, पूरा साल तो नहीं खाती है, आज खा लेना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं पूरे विश्व में ये कह रही हूँ कि मैं अपक्वा आहार पे हूँ और मैं पका हुआ आहार नहीं लेती हूँ, क्योंकि पका हुआ मृत आहार है। फिर जो 6 टाइम का खाना था, तभी 6 टाइम का खाने में मेरे पापा ने फ्रूट्स और सलाड्स की व्यवस्था कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सूप पिया था, तो सूप में बहुत सारे वेजिटेबल्स थे और बहुत सारे फ्रूट्स थे, सलाड्स थे वहाँ पे, तो मैंने वो खा लिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि सगे भाई की शादी भी होगी, आप खाओगे तो भी, नहीं खाओगे तो भी, भाभी तो आने ही वाली है, लेकिन आपका शरीर जो है वो आपके पास रहेगा। 3 दिन खाने के बाद जो मुझे पश्चाताप होता है उसका कोई कहना नहीं है कि कोई ने देखा नहीं देखा, किसी को अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन जो मेरा शरीर है, जो भगवान की देन है, उसको मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ और कभी खराब नहीं कर दूंगी, क्योंकि अपक्व आहार से कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैंने, ये हमारा शादी का फंक्शन था, अभी मेहंदी भी हमारे हाथों में है, तो ये जो फंक्शन था फिर भी मैंने तीनों के तीनों दिन 6 टाइम सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आहार ही खाया है। अगर दृढ़ निश्चय से हम न्यू डाइट सिस्टम करेंगे तो शादी ब्याह तो होती रहेगी, समाज में आना जाना तो होता रहेगा। हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ
प्राकृतिक आहार खाना चाहिए, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात हो, कभी भी खाओ। भगवान ने इतने सारे फ्रूट्स बनाए हैं, कितने सारे सलाड बनाए हैं, कितने सारे वेजिटेबल्स बनाए हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो जी इतना खुश हो जाता है कि क्या बात है, परमात्मा ने हर सीजन में कुछ न कुछ नया देते रहते हैं। ये जो टमाटर का और बीट का जूस है वो इतने सस्ते दाम में मिलता है, 20 रुपये केजी टमाटर है और 20 रुपये केजी बीट है। तो ऐसा अच्छा अच्छा जूस आप दिन में कभी भी पियो, कोई भी बीमारी होगी विश्व में जिसका नाम भी अभी नहीं आया होगा, वैसा कोई भी वायरस होगा या कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो आपके शरीर में उससे निरोगी हो जाओगे। तो ऐसा अच्छा अच्छा जूस पीने की आदत कीजिए। ये कुछ भी महंगा नहीं पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं जो मेहनत करती हूँ उससे ज्यादा तो ये जूसर मेहनत करता है। और इसको साफ करने में भी सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। हमारे यहाँ पे बर्तन भी नहीं होते हैं ज्यादा, जो भी बर्तन भी बिगड़ते हैं वो सिर्फ पानी से साफ करो तो भी साफ हो जाते हैं। कितनी सरल लाइफ हो गई है हमारी। तो ये जो है वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने या जब तक आप बीमार हो, स्वस्थ हो जाओ, तब तक ये करने की बात नहीं है। 1 साल तक करने की ये बात नहीं है। ये जो है वो हमारी लाइफस्टाइल है। जब तक हमें स्वस्थ रहना है, जब तक हमें जिंदा रहना है, जब तक परमात्मा हमें इस पृथ्वी पे ये शरीर के साथ हमें रखता है, तो हमें ये शरीर को अमृत आहार देना चाहिए। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि टमाटर जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं जब भी टमाटर लेने जाती हूँ तो 5 केजी 10 केजी लेके आती हूँ। और कुछ भी हो, सलाड हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या जूस हो, मैं सब में टमाटर यूज़ करती हूँ। कुछ भी ना हो तो मैं सिर्फ टमाटर को बाइट करके भी खा लेती हूँ। और इसमें भी मैं एक टमाटर की बात करूँ कि जो बिल्कुल छोटी साइज के टमाटर होते हैं, जिसको काटना भी नहीं पड़ता है, वो पूरा का पूरा मुंह में डाल के मुंह को खोले बिना पूरा चबा के बिल्कुल रस हो जाए, फिर अगर उसको मुंह में उतार दो तो जूसर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कई कई लोग बोलते हैं कि जूसर हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने हमें दांत दिए हैं। अगर दांत चले गए हैं, अगर हमारी उम्र 50-60-70 हो गई है तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये जो आपने पूरी जिंदगी कमाया है वो यहाँ पे छोड़ के ऊपर चले जाना है। जब तक हो स्वस्थ रहना है, ऐसा जूसर आप यूज कर लो। और ऐसा अच्छा अच्छा दांत नहीं है तो इसका जूस बना के आप पी सकते हो। अगर इतना इंग्रेडिएंट्स, ये 250 ग्राम टमाटर है और 250 ग्राम बीटरूट है, अगर 500 ग्राम का जूस पी लेते हो तो 5 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो ऐसा अच्छा अच्छा खाना चालू कर दीजिए, दवाइयों से बच जाइए, हॉस्पिटल से बच जाइए, आपके पसीने की जो आवक है, जो आमदनी है, जो पगार है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट मार्केट्स में जाएगा तो चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल्स में और मेडिकल स्टोर में नहीं जाना चाहिए। 20 साल से 25 साल से डायबिटीज की गोलियां चल रही है, तो ऐसा अच्छा अच्छा जूस 30 दिन का या 90 दिन का आप जूस पे फास्टिंग कीजिए, तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, निरोगी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, बिल्कुल आप सुखी हो जाओगे। तो ये जो टमाटर है इसको मैं काट लेती हूँ और ये जो हमारा जूसर है इसके अंदर मैं डालती हूँ। अगर आपको ये बीट नहीं पसंद हो तो टमाटर का भी जूस कर सकते हो, और टमाटर नहीं पसंद हो तो पूरा बीट का भी जूस कर सकते हो। तो ये जो टमाटर है इसका परमात्मा ने ही इतना अच्छा टेस्ट बनाया है। देखो इतना अच्छा कलर है, इतना अच्छा कलर हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो ये टमाटर को खाते हो तो चाट मसाला डाल के भी खा सकते हो। मैं तो जब भी बहुत ही सस्ते टमाटर हो जाते हैं, 10 रुपये के केजी हो जाते हैं, तभी पूरा लंच में और पूरा डिनर में थाली भर के, डिश भर के सिर्फ और सिर्फ टमाटर और चाट मसाला डाल के भी मेरा लंच हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा पूरी थाली में अलग अलग फ्रूट्स होंगे, अलग अलग सलाड होंगे तो ही हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। एक ही फ्रूट से या एक ही सलाड से भी हमारा लंच या डिनर हो जाता है। जैसे
परमात्मा ने सबके आहार की व्यवस्था की है, वैसे परमात्मा ने हमारे लिए भी इतने सारे सब्जियां और फलों की व्यवस्था की है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि पूरे दिन सुबह में दोपहर में शाम को रात को पूरा दिन जो हमारा है वो किचन में व्यतीत कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने दाल चावल बनाए, हमें लगता है हमने पकोड़े बनाए, हमें लगता है डोसा बनाया, हमने लगता है कि हमने समोसा बनाया। ऐसा कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 2 मिनट का टेस्ट है और पूरी जिंदगी जो है वो मेडिसिन से भर जाती है। ऐसा अच्छा अच्छा प्राकृतिक आहार है वो खाना चालू कर दो, तो ये जो ज्यूसर है इसके अंदर में 2 मिनट में फटाफट से ज्यूस बना के आपको दिखाती हूँ। हमारा जूस जो है वो इंस्टेंट रेडी हो गया है, तो ये जूस को टेस्ट के लिए मैं, वैसे तो टमाटर खट्टे ही होते हैं लेकिन ये जो लेमन का टेस्ट है उससे बहुत अलग टेस्ट हो जाता है। अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप गुड़ डाल सकते हो, लेकिन मुझे मीठा बहुत कम पसंद है तो मैं लेमन डाल रही हूँ। इसमें आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हो, सिंधव नमक डाल सकते हो, मैं चाट मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चाट मसाला बहुत पसंद है। ये जो चाट मसाला है ये भी हमारे हेल्थ सेंटर पे मिलता है, बहुत ही टेस्टी है, तो अगर आपको भी चाहिए तो हमसे मंगवा सकते हो, हम कुरियर से भेजते हैं। तो ये ग्लास में सर्व कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं, तो आप भी ऐसा अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी जूस पिए, कभी भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, कभी हॉस्पिटल्स नहीं जाने पड़ेंगे, कभी लेबोरेटरी में रिपोर्ट करवाने नहीं जाना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है या बहुत विटामिन्स की कमी आ गई है या बहुत कैल्शियम की कमी आ गई है। अगर ऐसा अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी जूस हर रोज पीना है, ऐसा नहीं है कि जब तक हम बीमार है तब तक ही पीना है, जब तक जीते हैं तब तक ऐसा अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी जूस बनाना है। ये जो जूस है वो कोई भी घर में बना सकता है, जेंट्स हो तो भी, लेडीज हो तो भी, बच्चे हो तो भी, बूढ़े हैं तो भी, सबको ये जूस बना सकता है। कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो मशीन को करना है। आप अकेले रहते हो तो भी बाहर खाना नहीं जाना पड़ेगा, जो टिफिन सेवा है वो नहीं करनी पड़ेगी, या फिर जो वीसी में खाने जाते हैं, होटल में खाना जाते हैं वो भी नहीं खाना पड़ेगा। एक सिर्फ अकेले रहते हो तो ऐसा जूसर आप खरीद लो और सुबह शाम दोपहर में कभी भी ऐसा अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी जूस पिया कीजिए। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये हमारा जूस टमाटर का कैसा बना है। एकदम टेस्टी है, आपको मीठा पसंद हो तो थोड़ा गुड़ डालना। आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद नारायणपुरा में शाम को 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे के लिए आप कोई भी कंसल्टिंग करने के लिए आ सकते हो। कोई भी डिसीज हो तो हम उसका सलाह सूचन देते हैं, कुछ भी फी नहीं लेते हैं, निशुल्क में सेवा करते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे आप शाम को हमारे सेंटर पे आ सकते हो। कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं कि शाम को 5 से 6 या शाम को 4 से 6 हमें फ़ोन पे कंसल्टिंग करना है, इसलिए शाम को सबके फ़ोन आते हैं, लेकिन शाम को हमें यहाँ पे नारायणपुरा में मिलने आना है अगर कंसल्टिंग करना हो तो। हमारा कॉल करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक का,
मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन का मिशन है हमारा, उसमें आप भी सहभागी हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और सबको बताइए कि न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करने के हमें सारे के सारे डिसीज जो है वो चले जाते हैं। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।